खूबसूरत अनमोल बातें। मजीद वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी रोजाना की वीडियो आपको मिलती रहे। अपना दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और खुदा जाने। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दवा भी साथ चलती है। लोगों से धोखा खाने के बाद दफा इंसान इतना महतात हो जाता है कि अच्छे लोगों से भी डरने लगता है। खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी के दिल में घर बना सके, लेकिन कुछ ऐसे पल जरूर छोड़ जाएंगे कि बोलना आसान नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने चोरी का माल खरीदा हालांकि वो जानता है कि ये चोरी का माल है, तो वो भी इसकी रसवाई और गुनाह में शरीक होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरे लाए हुए अहकाम के ताबे न कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब फरमाता है कि अगर मेरा बंदा मेरी तरफ इस हाल में रजू करे कि तौबा करके मेरी तरफ आ जाए और उसके गुनाहों से जमीन भरी हो, लेकिन वो मेरे साथ किसी को शरीक ना करता हो, तो मैं इसके पास जमीन भरी हुई बख्शिश लेकर आऊंगा। एक बात समझ नहीं आती कि हर मुसलमान मौत ही क्यों ईमान पर चाहता है, जिंदगी ईमान पर क्यों नहीं गुजारता।